सौ समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव, आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज द नंबर वन इन एस्ट्रोलॉजी। बताऊंगे आपको, मंगल का गोचर हो रहा है और ये मंगल का गोचर हो रहा है मेष राशि में, और इस गोचर से आप पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, गुरु वक्री चल रहे हैं, शनि वक्री चल रहे हैं, तो मंगल भी अपनी चाल अब वक्री करने की सोच रखी है इन्होंने भी। सभी ग्रहों में ये सेना नायक होते हैं और व्यवसाय, भूमि, भाई, साहस, पराक्रम वगैरह का कारक मंगल को माना जाता है। और ये सेनापति अभी गुरु के घर यानी कि मीन राशि में चल रहे हैं। काल चक्र, काल पुरुष की राशि 12वीं मीन। राशि परिवर्तन का इनका वक्त आ रहा है। मंगलदेव 16 अगस्त को मीन राशि से निकलकर चले जाएंगे अपनी राशि मेष में। कितने बजे? ये शाम के 6:31 पर परिवर्तन होने वाला है और 4 अक्टूबर तक ये यहीं रहने वाले हैं। मेष राशि में ही ये 10 सितंबर को 3:50 में वक्री हो जाएंगे और वक्री गति करते हुए ये 4 अक्टूबर को 10:06 पर फिर से एक बार मीन राशि में चले जाएंगे। मीन राशि में रहते हुए ये 14 नवंबर को फिर से मार्गी हो जाएंगे और 24 दिसंबर 10:18 पर इनकी घर वापसी होगी, यानी कि ये फिर से मेष में आ जाएंगे। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताती हूँ मंगल के गोचर के बारे में, कि इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अगर प्रभाव अच्छा नहीं है तो इसे आपको अच्छा कैसे बनाना है ये भी मैं बता दूंगी। शुरुआत मेष राशि से। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। इसी मंगल ग्रह का गोचर लग्न भाव में होने वाला है और जीवन में आपके पॉजिटिविटी आने वाली है 16 अगस्त के बाद से। इस दौरान आप ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे। आप अपने उन कामों को भी पूरा कर देंगे बहुत आसानी से जो काम आपके अटके हुए थे। आप अगर मेष राशि के हैं तो आप कुछ नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए ये वक्त सही है। आपको इस दौरान सफलता मिलेगी। आप आने वाले वादों को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चयी होंगे और इससे क्या होगा, इससे आपकी पर्सनालिटी में और ज़्यादा निखार आएगा, आप में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील होने मत दीजिएगा। मेष राशि के जो लोग कारोबारी हैं उनकी 5 उंगलियां इस दौरान घी में रहने वाली है। यदि कारोबार का विस्तार आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सलाह मशवरा कर लीजिएगा, इसके बाद आप आगे बढ़िएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप अगर मेष राशि के हैं और नौकरी पेशा हैं तो आपके वर्कप्लेस में आपको सम्मान मिलेगा। आपकी कर्मठता आपके बहुत काम आने वाली है और अगर आप स्टूडेंट हैं और रिसर्च कर रहे हैं तो इसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इस दौरान इस गोचर के आपको बहुत सकारात्मक परिवर्तन दिखने को मिलेंगे। पारिवारिक जीवन के लिए ये समय ठीक ठाक रहने वाला है आपके लिए। हालांकि अपने क्रोध पर आपको ज़रा सा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि क्रोध में आकर आप कुछ कर गुजरते हैं और बाद में आपको पछतावा होता है, इसीलिए कोई भी फैसला हो जल्दबाजी में मत लीजिएगा। खुद को फिट रखने के लिए आपको थोड़ी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है तो एक्सरसाइज कीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा पसीना बहाएंगे उतने ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। लव लाइफ के बारे में भी बता देती हूँ, तो आप अपने साथी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहेंगे इस दौरान। कुल मिलाकर देखें तो आपकी राशि अगर मेष है तो आपके लिए ये समय अच्छा गुजरने वाला है। बस अपने गुस्से पर ज़रा सा नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। उपाय भी मैं आपको बता देती हूँ। लाल रंग के वस्त्र आप ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए, इससे आपके लिए शुभता बढ़ेगी। स्टार आपको कितने मिलते हैं इस गोचर के दौरान, तो आपको 5 में से पूरे 4 स्टार मिलते हैं। अगली राशि वृषभ राशि। मंगल का गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में होगा। काल पुरुष की कुंडली में ये भाव मीन राशि वालों का होता है और इस राशि का स्वामी कौन है, तो गुरु है। इस भाव में विदेश, हानि, व्यय वगैरह के बारे में हम विचार करते हैं और इसी से जुड़ी बातें आपके जीवन में भी घटित होने वाली हैं। मंगल का गोचर काल इस राशि के जातकों को विदेशों से लाभ जरूर दिलवाएगा। जो स्टूडेंट्स विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे उनके लिए ये समय अनुकूल रहेगा ज़रूर, लेकिन इस पैंडेमिक का मामला आप समझ लीजिए और तय कर लीजिए कि आपको अभी जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि बाद में फिर से ऐसे चांसेस आपको मिलेंगे ज़रूर फ्यूचर में।
ये वक्त थोड़ा सा आपके लिए चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा चेंजेस आपको दिखेंगे और ये चेंजेस पॉजिटिव होंगे। इस समय आपको अपने व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। कई बार आप गलतियां करने के बाद भी स्वीकार नहीं करते हैं कि आपने गलतियां की हैं या ये जो आपने किया है ये आपने किया है ये गलत है। इससे आपकी जो इक्वेशन है लोगों के साथ वो ख़राब हो जाएगी। आपको ये समझना चाहिए कि गलती हर किसी से होती है और उसे मान लेना एक अच्छे इंसान की खूबी है जो आप में भी होनी चाहिए। अगर आप वृषभ राशि के हैं और आप नौकरी पेशा हैं या कारोबारी वर्ग के हैं तो आपके लिए इस गोचर के दौरान मेरी हिदायत है कि ज़रा संभल कर रहिएगा। आपके विरोधी आपके खिलाफ कुछ साजिश कर सकते हैं, इसीलिए आप जीवन को थोड़ा सा बैलेंस करके चलिएगा, संतुलित करके चलिएगा, अपने गुस्से पर काबू रखिएगा और ज़्यादा रिएक्शंस देने से बचिए। प्रतिक्रिया अभी आपको उतनी ज़्यादा नहीं देनी है। मन की शांति के लिए आपको योग और ध्यान का सहारा लेना चाहिए। उपाय क्या कीजिएगा, तो तांबे का सिक्का ले लीजिए या कोई तांबे का टुकड़ा ले लीजिए और ये जेब में रखिए, इससे आपके लिए शुभता बढ़ेगी। अगली राशि मिथुन राशि। मंगल का गोचर आपके एकादश भाव में हो रहा है और ये लाभ का भाव होता है, इसीलिए इस गोचर से आपको शुभ फल मिलने वाले हैं, आपकी इनकम बढ़ने वाली है। इस राशि के जो भी जातक नौकरी करते हैं उनके वर्क प्लेस में अनुकूल माहौल रहेगा और इस माहौल का आपको फायदा भी मिलने वाला है और ये फायदा आमदनी के क्षेत्र में होगा, वृद्धि होगी आपकी आमदनी में। कारोबारी वर्ग के जो लोग हैं इनके लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा फल तो दिखा रहा है, लेकिन थोड़े से आपको फैसले लेने के वक्त पे अलर्ट रहना चाहिए। आने वाले कल में आपको ये फैसले फायदा पहुंचाएंगे, इसलिए सोच समझ कर ठोक बजाकर फैसले लीजिएगा। जिन लोगों ने नया बिजनेस डाला है उन्हें अभी आशा के अनुरूप फल तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आशा की किरण जरूर आपको दिखाई देगी। मिथुन राशि के लोगों को किसी तरीके के लोन लेने से इस अवधि में बचना होगा। हाँ, लोन उतारने के लिए ये वक्त अच्छा है। आपने जो पहले लोन ले रखा है उसे आप उतार लीजिए, इसके बाद आगे वक्त अच्छा आएगा तब मैं बताऊंगी, तब आप लोन उस वक्त ले सकते हैं। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए महत्वाकांक्षाओं से भरा वक्त रहेगा। यदि कोई महत्वाकांक्षा आपकी पूरी नहीं हुई है तो आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे, लेकिन सलाह मेरी आपको यही है कि फल से ज़्यादा कर्म और मेहनत पर ध्यान दीजिए। यदि आप मन लगाकर मेहनत करते हैं तो आपको आगे बढ़ने में कोई खासी परेशानी नहीं होगी, आपको आगे बढ़ने से कोई रोकेगा नहीं। चूंकि मंगल उग्रता वाला ग्रह है इसीलिए इस गोचर की अवधि में आपकी वाणी में थोड़ी सी कठोरता आएगी और इस वजह से आपके करीबी लोग आपसे परेशान हो सकते हैं। जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं उनकी कोशिशें रंग लाएंगी और इस दौरान आपको सफलता भी मिल सकती है। उपाय क्या करना है आपको, तो किसी शुभ काम के लिए घर से निकलने से पहले आपको शहद का सेवन करना चाहिए, इससे आपके जीवन में शुभता बनी रहेगी। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि के दशम भाव में ये गोचर हो रहा है। दशम भाव को कर्म भाव कहा जाता है। इस भाव में मंगल के गोचर से आपको क्या होगा, तो आपके काम करने की गति में तीव्रता आएगी। आप कल्पनाओं की दुनिया से निकलकर वर्तमान में अब लौट आएंगे। आपके दिल दिमाग में जो भी विचार इस दौरान कौंधेंगे उसे आप पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से जुड़ जाएंगे, कोशिशें करेंगे। हालांकि वर्कप्लेस में इस दौरान आपके कंधों पर ज़्यादा भार भी आ सकता है, किसी और का काम भी आपके जिम्मे आ सकता है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आप प्रतिबद्ध दिखेंगे। आपकी जो क्रियाशीलता है आपके वरिष्ठों को पसंद आएगी और उनकी नज़रों में आपकी छवि और ज़्यादा बेहतर होगी। चूँकि मंगल ग्रह आपके दशम भाव में है और यहाँ का मंगल दिग्बली होता है, इसीलिए आपकी कई इच्छाएं इस दौरान पूरी हो सकती हैं जिससे आपको खुशी मिलेगी। आप सेना पुलिस वगैरह क्षेत्र में अगर काम करते हैं तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, इंतज़ार कर रही है आपके लिए पदोन्नति। जो लोग खेलकूद से जुड़े हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हैं उस दौरान इन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अगर आप प्रेम में हैं तो आपके लिए इस दौरान कुछ अलग सा देखने को मिलेगा, एक नई ऊर्जा आपके अंदर देखने को मिलेगी और आप अपने लव मेट की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहेंगे। जो मैरिड हैं उन्हें संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, कोई खुशखबरी मिल सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय अच्छा रहेगा, लेकिन ज़्यादा भोजन करने से या ज़्यादा सोने से आपको बचना होगा। उपाय क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, तो हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि सिंह। मंगल का गोचर आपके नवम भाव में हो रहा है।
भाग्य का ये भाव होता है और धर्म चरित्र लंबी यात्राएं उच्च शिक्षा वगैरह इसी भाव से देखते हैं। आपके लिए गोचर अच्छा रहेगा, भाग्य का पूरा साथ आपको इस दौरान मिलेगा। पारिवारिक जीवन में बैलेंस बना रहेगा और इस राशि के कई जातकों को अपने पिता से इस दौरान लाभ भी हो सकता है। यदि आप घर से बाहर रहते हैं तो पिता की कोई जरूरी सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। छोटी छोटी यात्राएं इस राशि के लोगों को फायदा जरूर पहुंचाएंगी। प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ मसले हैं अगर आपको, तो इससे आपको फायदा होगा। नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए भी ये समय कुल मिलाकर देखें तो अच्छा है। एक से ज्यादा काम अगर आप अपने हाथ में लेंगे तो हो सकता है कि थोड़े परेशान रहें, परेशानी हो सकती है। एक काम को पहले पूरा कर लीजिए, उसके बाद दूसरा काम हाथ में लीजिए, इससे आपके लिए सुविधाएं बढ़ जाएंगी। नवम भाव से आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी पता चलता है, इसीलिए सिंह राशि के लोग इस दौरान आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल पाएंगे खुद को। इसके साथ साथ आप योग का सहारा लेकर अपने व्यक्तित्व में सुधार करने की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। अध्यात्म से जुड़ी पुस्तकें आपको पढ़ने में इस दौरान इंटरेस्ट थोड़ा जगा रहेगा। उपाय क्या कीजिएगा, तो अगर आप भगवान कार्तिकेय की पूजा कर सकते हैं तो कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि कन्या। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर अष्टम भाव में होगा और इस भाव को आयुर्भाव कहते हैं। आपके इस आयु भाव से आपके जीवन में होने वाली बाधाएं, दुर्घटना, शोध आदि के बारे में विचार किया जाता है और मंगल का ये गोचर उन जातकों के लिए फायदेमंद होने वाला है जो रिसर्च कर रहे हैं या जिन्हें कोई गुप्त विद्या सीखनी है। गुप्त विद्याओं को सीखकर पैसा कमाने की तरफ भी इस राशि के लोग अग्रसर हो सकते हैं। मंगल के इस गोचर के दौरान यदि आप खुद से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। ध्यान का सहारा लीजिए, आप मानसिक शांति जरूर पाएंगे। इसके साथ साथ अपने व्यक्तित्व में आप कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी ला सकते हैं। कन्या राशि के अगर आप हैं तो आपको ये महसूस होगा कि आपने जो कोशिशें शुरू की थी वो सही दिशा में नहीं जा रही, तो निराश मत होइएगा। सलाह ये है कि थोड़ा सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अपने काम पर ध्यान जरूर देते रहिएगा और गतिमान बने रहिएगा। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको इसका फल यानी कि सफलता जरूर मिलने वाला है। मंगल के गोचर के दौरान आपके भाई बहनों को थोड़ी सी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ सकता है, इसीलिए उनका सहयोग कीजिए, वो आपके सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप खेलकूद में हिस्सा लेते हैं, आप स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपकी दिलचस्पी इस दौरान आपको सातवें आसमान पर ले जाएगी। उपाय क्या करना है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए और कुछ दान कीजिए। अगली राशि तुला। तुला राशि के जातकों के सप्तम भाव में मंगल का गोचर होगा। काल पुरुष की कुंडली में ये जगह तुला राशि वालों की होती है और इससे आपके जीवन साथी और साझेदारियों के संबंध में विचार किया जाता है, आपके कितने क्लाइंट्स होंगे इसके बारे में विचार किया जाता है। तो मंगल के इस गोचर से तुला राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में शुभता आने वाली है। यदि परिवार में कोई कलह कलेश चल रहा था तो वो इस दौरान दूर हो जाएगा। इधर वैवाहिक जीवन में भी कुछ आपको शुभ फल मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ कोई नया काम शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए ये वक्त बिल्कुल सही है। इसके अलावा जीवन साथी का स्वास्थ्य आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। इस राशि के कुछ जातकों में क्रोध की अधिकता देखी जा सकती है। हालांकि क्रोध आपका स्वाभाविक गुण तो नहीं है, लेकिन बार बार क्रोधित होने से आप खुद भी परेशान महसूस करेंगे। परिस्थितियों को कंट्रोल करने की बजाय आपको उनसे उनके मुताबिक बनना पड़ेगा, आप उनके मुताबिक ढल जाइए तो ज़्यादा आसानी होगी। वो गो विद द फ्लो वाली कहावत आपको इस दौरान अपनानी होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छे फल मिलने वाले हैं और यदि आप स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं तो इस दौरान आपको कोई उपलब्धि ज़रूर मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उपाय क्या है, तो हर मंगलवार को आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए। अगली राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है और इसी मंगल ग्रह का गोचर आपके षष्टम भाव में होने जा रहा है। षष्टम भाव यानी कि रिपु भाव, और इससे रोग, ऋण, शत्रु आदि के बारे में विचार होता है। मंगल के इस गोचर से आपके मानसिक और शारीरिक क्षमता पर असर पड़ने वाला है और ये असर सकारात्मक होगा, मजबूत होगा। आप में साहसिक कामों को करने की योग्यता है और आप इस योग्यता में मंगल का ये गोचर आपको सुधार करता हुआ
मिलेगा। वर्कप्लेस में जो भी प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, आप उसमें क्रिएटिविटी डालेंगे और क्रिएटिविटी के साथ इसे पूरा करेंगे। कारोबारी भी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे, कारोबार को फैलाने की दिशा में भी कोशिशें आप कर सकते हैं। हालांकि आपको किसी भी तरीके के वाद विवाद में हिस्सा लेने से इस दौरान बचना होगा। बेवजह की बातचीत से आपका समय बर्बाद होगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसीलिए बेवजह की बातचीत में मत पड़िएगा। किसी कोर्ट केस के चक्कर में हैं, कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, तो इस दौरान आपको विजय प्राप्त हो सकती है। अपने प्रतिद्वंदियों पर आप मंगल के इस गोचर के दौरान आसानी से विजय पा लेंगे। इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं और कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता मिलने के प्रबल योग दिख रहे हैं। यदि आप वाहन चलाते हैं तो थोड़ा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिएगा और सावधानी से वाहन चलाइएगा। स्वास्थ्य जीवन आपका ठीक रहेगा, बशर्ते कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा कर रखें। इस वजह से आपको जो छोटी मोटी वायरल इन्फेक्शंस वगैरह हैं, उनसे आप बच जाएंगे। कोई पुरानी बीमारी है तो वो आपको इस दौरान परेशान करने की तरफ बढ़ सकती है, लेकिन अगर आपने इम्यूनिटी अच्छी रखी है और रूटीन बढ़िया रखा है तो आपको राहत मिल जाएगी। उपाय क्या कीजिए, तो मंगलवार को तांबा दान कीजिए। धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर हो रहा है पंचम भाव में। काल पुरुष की कुंडली में ये भाव सिंह राशि का होता है और इससे आपके प्रेम संबंध, संतान और शिक्षा के बारे में विचार होता है। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंध में हैं, इस दौरान वो अपने लव मेट के और ज़्यादा करीब आ जाएंगे। लव मेट के साथ घूमने फिरने जैसी कोई आपकी योजना हो सकती है। वहीं जो लोग अब तक सिंगल हैं, उनको भी कोई खास मिल ही जाएगा। हालांकि किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले आपको ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि आपका जो वैचारिक रूप से तालमेल बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। मंगल के गोचर के कारण आपके स्वभाव में थोड़ी सी क्रोध की वृद्धि हो जाएगी। आप ना चाहते हुए भी गुस्सा कर जाएंगे और इस गुस्से को ठंडा होने में वक्त लगेगा, और जब तक ये ठंडा होगा तब तक बहुत चीज़ें बिखर चुकी होंगी। सलाह आपको क्या है, तो व्यवहार में थोड़ा सा लचीलापन रखिए। संतान पक्ष पर आपकी मैं बताऊं तो बच्चों से भी आप किसी बात को लेकर उलझ सकते हैं या बच्चे आपसे उलझ सकते हैं, तो ऐसे गुस्से वाले मामले को आगे ना बढ़ने दें, तूल ना बढ़ने दें। नौकरी में आपको लाभ मिलने की संभावना है। किसी विदेशी कंपनी में काम करते हैं तो बढ़िया है। इस राशि के व्यवसायियों को भी विदेशी संपर्कों से इस दौरान लाभ हो सकता है। उपाय क्या कीजिएगा, तो तांबे के बर्तन में पानी पीजिए, फायदा मिलेगा। मकर राशि, मंगल ग्रह आपके चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी होता है और इसी मंगल ग्रह के गोचर से आपके चतुर्थ भाव में इस दौरान हलचल होने वाली है। सुख का यह भाव होता है, आपकी माता संबंधी वाहन, भूमि, वस्त्र वगैरह के बारे में विचार इससे किया जाता है। आपको इस गोचर के दौरान भूमि भवन से लाभ मिलेगा। यदि कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो अच्छे दाम पर आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है। वहीं जो लोग लंबे अरसे से प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, उनका सपना भी इस दौरान पूरा हो सकता है, आसानी से पूरा हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय उनकी डॉक्टरी जांच आपको करवानी पड़ सकती है और हो सकता है कि कुछ खतरे की घंटी आपको सुनाई पड़े। पारिवारिक माहौल इससे परे अच्छा रहेगा, शांति का अनुभव होगा। वर्क प्लेस में इस राशि के जातकों को शुभ फल मिलने वाले हैं। सहकर्मियों का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपके काम करने की गति को देखकर आपके जो सीनियर्स हैं वो बहुत खुश होंगे, तारीफ करेंगे आपकी। और कारोबारी हैं अगर आप, तो आपको फाइनेंस से जुड़े मामलों के दौरान थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी आमदनी में वृद्धि होने की प्रबल संभावना दिख रही है। कुछ जातक इस दौरान दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना करेंगे। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आपस में बहस हो जाएगी, झगड़े में तब्दील हो सकते हैं ये मुद्दे। हालांकि गलती का एहसास होने पर आप माफ़ी भी मांग लेंगे। सेहत को दुरुस्त रखने के लिए जिम या योगा क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। उपाय क्या कीजिए, तो मंगलवार के दिन व्रत रखिए। अगली राशि कुंभ राशि, कुंभ राशि के तृतीय भाव में सेना नायक का दर्जा पाए मंगल का गोचर हो रहा है। तृतीय भाव यानी कि साहस का भाव, पराक्रम का भाव, और इससे छोटे भाई बहनों के साथ साथ आपके संबंधों के बारे में पता भी चलता है। तो मंगल के इस गोचर से आपके इन सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। पराक्रम में वृद्धि जरूर होगी, शत्रुओं पर आप विजय पा सकते हैं। हालांकि आपको अहम भाव, थोड़ा सा अहंकार और घमंड इस दौरान आएगा, आपको इससे बचना है। इस गोचर में आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप मार्केटिंग या प्रबंधन से जुड़े हैं तो ये गोचर आपके लिए लाभदायक साबित होने वाला है। सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों को भी लाभ मिलेगा।
अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़बरदस्त होगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता भी मिल सकती है। इस राशि के जो स्टूडेंट्स प्राइमरी एजुकेशन पा रहे हैं वो हो सकता है कि कुछ ऐसी नई किताबों का अध्ययन करें जिससे कि आपको पता चले कि आपका इंटरेस्ट इस तरफ है, आपके इंटरेस्ट फाइंड करने का ये सही वक्त है। स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो इस दौरान आपको अच्छे फल मिलने वाले हैं। मंगल के प्रभाव से आपके नेतृत्व की क्षमता और ज़्यादा बढ़ेगी। तृतीय भाव से लेखन के बारे में भी पता चलता है तो इसीलिए इस गोचर के दौरान आप कोई नई रचना करने की भी कोशिश कर सकते हैं। उपाय क्या कीजिएगा तो मंगलवार के दिन लाल रंग की वस्तुएं ज़रूरतमंदों को दान कीजिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए द्वितीय भाव में मंगल का गोचर हो रहा है और द्वितीय भाव से आपकी वाणी, आपका परिवार, जीवन के उद्देश्य वगैरह के बारे में पता चलता है। इस भाव में मंगल के गोचर से आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, कुछ अन्य सोर्सेस से भी आपको कुछ धन लाभ हो सकता है। इस दौरान भाग्य आपका भरपूर सहयोग देने वाला है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। द्वितीय भाव में मंगल के गोचर से आपकी वाणी में थोड़ी सी कठोरता ज़रूर आ सकती है, इससे परिवार के लोगों को परेशानी हो सकती है। आपका ज़िद्दी रवैया आपको लोगों से दूर कर सकता है, इसीलिए किसी भी चीज़ को लेकर ज़िद्द मत कीजिएगा। यदि आपके बच्चे हैं तो किसी वजह से उनके साथ अनबन हो सकती है। अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा, इस दौरान आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ज़्यादा मसालेदार और बाहर का खाना खाने से आपको बचना है। तला भुना तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, नहीं तो पेट संबंधी जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सेहत को दुरुस्त रखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और हर रोज़ एक्सरसाइज करनी है। जब आप खुद फिट रहेंगे तभी घर के बाकी सदस्यों के स्वास्थ्य का ख्याल भी रख पाएंगे। मंगल के इस गोचर के दौरान आपको आंख या दांत से संबंधी थोड़ी सी कोई परेशानी घेर सकती है। उपाय क्या कीजिएगा तो मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इससे आपके जीवन में शुभता आएगी। तो जाना आपने 16 अगस्त को होने वाले मंगल के गोचर से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। अपने जीवन में हमेशा शुभता बरकरार रखिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जीवन में आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से जानकारी मिल जाए। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।